नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सरकारीअलर्ट पे। तो यहाँ पे दोस्तों बिहार से जैसा कि आपका ऑनलाइन यहाँ पे फॉर्म आ चुका है और अप्लाई ऑनलाइन 29 तारीख से शुरू है। तो यहाँ दोस्तों बता दें कि आपका जो 29 तारीख को लोग यहाँ पे भर रहे थे, तो बहुत लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि सर्वर एरर लिख रहा है, नहीं खुल रहा है, क्या करें क्या करें। तो यहाँ दोस्तों बता दें कि बहुत लोग, जैसे आपका 29 तारीख को आया, बहुत लोग यहाँ पे सर्वर पर चले गए, तो यहाँ पे सर्वर एरर हो गया है, फॉर्म भर रहे हैं लोग। तो आप रुक जाएँ एक दो दिन, अगर आपको बहुत ही जल्द भरना है तो आप रात को यहाँ पे भर सकते हैं। तो यहाँ आइए हम जान लेते हैं कि यहाँ पे कैसे हम भरेंगे पोस्ट प्रेफरेंस। यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कैसे हम भरेंगे पोस्ट प्रेफरेंस, यहाँ पे किसका कट ऑफ यहाँ पे कम जाएगा, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य जो है नौकरी लेना है। तो यहाँ पे कौन सा पोस्ट है, मेरा पोस्ट कोई भी हो, नौकरी हमें मिल जाना चाहिए और अच्छा पोस्ट हो, आराम का काम होना चाहिए, लोग यही सोचते हैं। यहाँ पे कट ऑफ भी कम जाना चाहिए आपका मेंस में। और कौन सा ऐसा पोस्ट है जो हमारा तुरंत आपका हम दें, यानी कि मेंस पेपर दें और हमारा एग्ज़ाम हो जाए, नौकरी हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों बता दें कि टाइपिंग वाला पोस्ट कौन सा नहीं है, कौन से पोस्ट में फिजिकल नहीं, हमारा दोबारा टेस्ट ना देना पड़े। तो आइए हम पूरा डिटेल इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो का पूरा अंत तक कंप्लीट देखें। और यहाँ बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें। तो आइए देख लेते हैं कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बिहार से जिक्र, यहाँ पर 28 तारीख को नोटिस जारी किया गया था कि आपका जो मेंस का परीक्षा है आपका जो है वो 29 तारीख से लेकर 18 तारीख तक यहाँ पे भराने वाला है। तो इसी के नीचे यहाँ पे इसका बता दें कि आपका पूरा यहाँ पे पैटर्न भी दे रखा था कि आपका जो, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका सिलेबस जो है वो पीटी का ही सिलेबस सेम रहने वाला है, बस उसमें आपका जो है थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन, यानी कि थोड़े से जटिल प्रश्न आएंगे। तो सारा डिटेल जो भी दोस्तों मैंने आपको बताया था, और बताया था कि मुख्य परीक्षा में आपका यहाँ पर हिंदी का विषय होगा, वो भी दोस्तों क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 30 मार्क्स आपको 100 मार्क्स का होगा, और आपका मेरिट लिस्ट आपका डिसाइड होगा जीएस के पेपर पर। यहाँ पर जीएस के पास होने के लिए आपको 40 अंक चाहिए होगा, इसी तरह देख सकते हैं। लेकिन आपका मेरिट जो है, आपको पोस्ट के हिसाब से मेरिट डिसाइड होगा, इसीलिए यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ देने के लिए आ रहा है। और यहाँ पे बहुत लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सर टाइपिंग जो होगा वो हिंदी में होगा कि इंग्लिश में होगा। तो हमें बता दें कि हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आपको दोनों यहाँ पे पूछा जा सकता है। रिसेंट एग्जाम की बात करें तो दोनों ही यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आपके यहाँ पे पूछी जा रही है। तो यही ट्रेंड आपका बिहार एसएससी भी करेगा, आपको हिंदी में हो सकता है, हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में आपका 30 वर्ड पर मिनट। तो जो भी टाइपिंग वाले पोस्ट आप भर रहे हैं तो उसमें देख लें हिंदी इंग्लिश आप दोनों ही प्रिपेयर करके चले जाएँ। तो आइए देख लेते हैं, हम यहाँ पर बता दें कि पोस्ट का तो कौन सा पोस्ट सबसे अच्छा है भाई, तो कौन सा पोस्ट हमें नहीं चाहिए, हमें कौन सा पोस्ट में पहली आपका नौकरी हो जाए, बस आपका मेरिट लिस्ट हो और आपका नौकरी हो जाए, कौन से पोस्ट में सबसे कम जाएगा कट ऑफ। तो इस पोस्ट को बात करें तो दो भाग में पोस्टों को यहाँ पे बांटा गया है, एक फिजिकल वाला है और एक आप बिना फिजिकल वाला। तो फिजिकल वाला जैसे कि देख सकते हैं इसमें टाइपिंग में कुछ नहीं है आपका, इसका जो फिजिकल वाले जो पोस्ट हैं इसका यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा कट ऑफ यहाँ पर कम जाए। अगर आपको भरना है तो वनरक्षी यहाँ पर भर सकते हैं, देख सकते हैं 693 यहाँ पर पोस्ट हैं। यही बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं अधिनायक अनुदेशक, इसके यहाँ पे 122 पोस्ट हैं। यहाँ पे आशुक सहायक अवर निरीक्षक, इसके यहाँ पे 2400 ग्रेड पे हैं, देख सकते हैं 2400 ग्रेड पे हैं, इसका यहाँ पे सैलरी ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे इसका जो एलिजिबिलिटी है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ये भी आप देख लें, अगर आप यहाँ पे भर रहे हैं तो अगर आपको ये न्यूनतम आप यहाँ पे क्वालिफाई नहीं करते हैं और आप पोस्ट में भर देंगे, अगर आपको ये पोस्ट अलॉट हो जाएगा तो आपको ये यहाँ पर पूरा यहाँ पर निभाना पड़ेगा, यानी कि आपको ये योग्यता होना चाहिए तो ही आप पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अगर नहीं है तो बिल्कुल ना भरे। और यहाँ बता दें कि बिना टाइपिंग वाला पोस्ट सबसे ज़्यादा जो लोग यहाँ पे भरने वाले हैं और सबसे ज़्यादा जिसका वैकेंसी है वो है यहाँ पे राजस्व कर्मचारी, जिसका यहाँ पे 1900 ग्रेड पे यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ नहीं है, राजस्व भूमि सुधार विभाग में राजस्व कर्मचारी है जिसका यहाँ पे इंटर दिया हुआ है। और यहाँ पोस्टों की बात करें तो यहाँ पे आपका जो पोस्ट है यहाँ पे 4353 13000 में यहाँ पे लगभग 4300 पोस्ट आपका 4350 इसी का है। तो सबसे पहले लोग इसी को यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस में देने वाले हैं, तो इसका कट ऑफ भी आपका हो सकता है ज़्यादा जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लोग भरेंगे, ज़्यादा नंबर वाले लोग लाएंगे तो कट ऑफ भी इसका यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे जाने वाला है। तो आप इसको पहले नंबर पर भर सकते हैं। अगर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका नंबर कम भी आ रहा है और अगर आपका कोई यहाँ पर आपका जो ऑप्शनल यहाँ पे जो है यहाँ पे तकनीकी योग्यता, अगर आप इसमें से किसी आपके पास स्पेशल कैटेगरी का योग्यता है इंटर के अलावा, यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर
टंकण, यहाँ पे देख सकते हैं 56 यहाँ पे पोस्ट है यहाँ पे निम्न वर्गीय लिपिक, और यहाँ पे देख सकते हैं एक यहाँ पे बुनाई अनुदेशक। तो ये दोस्तों पोस्ट एक ही वैकेंसी है यहाँ पे, अगर आपका यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से व्यवसायिक प्रशिक्षण में डिप्लोमा या ITI तो सर्टिफिकेट कोर्स, तो इस तरीके का अगर आपके पास कोई स्पेशल यहाँ पे है तो आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं, आपको तुरंत आपको मतलब कम कट ऑफ होगा यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप उर्दू हैं इंटर में आपका उर्दू के विषय के साथ है तो आप यहाँ पर जरूर भरें, और जिनका यहाँ पर इंटर में हिंदी के विषय के साथ है वो इस पोस्ट को यहाँ पर आगे भर सकते हैं। तो इसी तरह आप अपना जो भी आपका स्पेशल यहाँ पे कैटेगरी आता है तो देख लें, उसके हिसाब से आप यहाँ पे भरें। और यहाँ पे दूसरा नंबर बात करें कि जिसमें टाइपिंग आपका नहीं होने वाला, तो यहाँ पे एक यहाँ पे पोस्ट है आपका देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बता दें कि एक यहाँ पे पोस्ट यहाँ लास्ट में भी दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे कनीय लेखा लिपिक, यहाँ पे क्षेत्रीय स्थापना, इसका यहाँ पे 2400 ग्रेड पे है, यानी कि सबसे ज़्यादा इसकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है, यहाँ पे 487 नंबर ऑफ पोस्ट है। यही दो जो पोस्ट हैं जिसमें आपका यहाँ पे किसी भी टाइप की टाइपिंग नहीं हो रही है, और भी जो पोस्ट हैं यहाँ पे देख सकते हैं, और जो सारे पोस्ट हैं सब में यहाँ पे टाइपिंग यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे एक जो पोस्ट है निम्न वर्गीय लिपिक क्षेत्रीय स्थापना, जो कि यहाँ पे जल संसाधन विभाग में 1900 है, इसका यहाँ पे कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर यहाँ पे टंकण 511 यहाँ पे पोस्ट है। अगर आपको बता दें कि अगर आप यहाँ पे सबसे पहले तो अगर बिना टाइपिंग वाला चाहते हैं तो आप राजस्व कर्मचारी और ये वाला पोस्ट आप एक दो नंबर में भर दें, उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आप टाइपिंग नहीं चाहते हैं बिल्कुल नहीं आता आपको टाइपिंग, तो आप फिजिकल वाला पोस्ट यहाँ पे भर दें, क्योंकि यहाँ फिजिकल आपको यहाँ पे कर लेंगे, टाइपिंग में आप यहाँ पे छट भी सकते हैं, फिजिकल यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे हो जाएगा, लेकिन टाइपिंग के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस यहाँ पे करना पड़ेगा। और अगर आपको टाइपिंग आता है तो आप बिल्कुल भी राजस्व कर्मचारी वाला भर सकते हैं या नहीं भर सकता, टाइपिंग कन्फर्म है कि मैं टाइपिंग कर लूँगा, तो आप सबसे अच्छा टाइपिंग वाला ही पोस्ट भरें जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। यहाँ पे एक टाइपिंग वाला पोस्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, तो ये देख सकते हैं पंचायत सचिव, यहाँ पे जो 2000 इसका वैकेंसी है। अगर आपको टाइपिंग बहुत ही अच्छे तरीके से आता है तो आप सबसे पहले नंबर पे इस पोस्ट को भर दें, 3161 यहाँ पे पोस्ट है, सबसे पहले नंबर पे आप इसको भर दें, आपका इसमें हो जाएगा। तो आप अगर आपको टाइपिंग में क्वालिफाई करना होगा, यहाँ पे मेरिट लिस्ट थोड़ा सा कम भी आएगा, तो आपको टाइपिंग क्वालिफाई करके आप हो जाएंगे तो आपका ये हो जाएगा। बाकी इसी तरीके से आपका ये सब पोस्ट आपका प्रेफरेंस सबसे आगे होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। और बाकी सब जो पोस्ट हैं जिसमें आपको वैकेंसीज के हिसाब से आप इसको प्रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं, देख लें किसका ज़्यादा वैकेंसी है उसको यहाँ पे देख लें। यहाँ पे निम्न वर्गीय लिपिक, यहाँ पे ज़्यादा पोस्ट 1900 ग्रेड पे, यहाँ पे कौन सा निबंधन एवं उत्पाद मद निषेध विभाग, निबंधन यहाँ पे 593 यहाँ पे पोस्ट है। तो इसी तरीके से आप देख लें यहाँ पे कौन कौन सा पोस्ट कितना है, उसी के हिसाब से आप यहाँ पे भरें। तो यही बहुत ही बड़ी अपडेट देनी थी, फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर करें, मैं आपको रिप्लाई उसका जरूर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए अपडेट के साथ। वीडियो को दोस्तों अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, वीडियो को भी लाइक कर दें, और भी दोस्तों को पल पल की अपडेट और यहाँ पे बिहार से जुड़ी यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो उस चैनल पे भी आ गया है हिंदी का आपको, और यहाँ पे GK का भी आ चुका है, तो जाके देख लें, नीचे उसका लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर से एक नए अपडेट के साथ।